C7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडर। मैदान से कवर्स हट गए हैं, एक्टिवा 6G क्रीज पर रोमांचक गेम की उम्मीद, और आते ही साइलेंटली दे मारा है 6। बिल्कुल शॉकिंग नहीं, और ये एक और शानदार 6, इसे कहते हैं क्लीन हिट, एकदम क्लीन 6। ओहो, बहुत ही दूर दे मारा है ये, एकदम स्मूथ हिट, और ये एक और 6। अपनी क्रीज में सेट है, कंफर्टेबली खेल रहे हैं, सबको कर दिया है हैरान, व्हाट अ 6। जी हाँ, नए BS6 एक्टिवा 6G के साथ इंडिया मारेगा एक बेहतरीन 6। एक्टिवा 6G, 6 चेंजेस द गेम। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला Level 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथलैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ने वाले नेता थे, वह अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रयास हमने बहुत किए, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें हम बचा नहीं पाए। उनके निधन से जनता ने अपने सेवक को खोया है, प्रदेश ने अपने नेता को खोया है, पार्टी ने अपने कुशल संगठक को खोया है, और मैंने अपने एक भाई को खोया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में खंडवा से लगातार 6 बार से सांसद रहे आदरणीय नंदकिशोर जी चौहान साहब, नंदू भैया हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे। मैं अपनी ओर से और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। नंदू भैया के जाने से एक जो रिक्तता आई है, जो शून्यता आई है, वो शायद कभी नहीं भर पाएगी। मैं नंदू भैया को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, और शोक संतप्त परिवार को और हम सभी जो एक वृहद परिवार उनका है, उस परिवार को यह गहन दुख सहन करने की परमपिता परमेश्वर शक्ति और संबल दे, ऐसी कामना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता जिन्होंने कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है, मध्य प्रदेश का हर कार्यकर्ता की चिंता करना, मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ताओं को समय समय पर उनके बर्थडे पे, शादी की सालगिरह पे बधाइयां देना, और जब हमने उनसे पूछा भाई साहब आप कैसे याद रखते हैं इतने कार्यकर्ताओं का, तो कहते थे कि कार्यकर्ता ही मेरी पूंजी है, मैं कार्यकर्ताओं के लिए ही जीता हूं, यदि मैं कार्यकर्ताओं की इतनी भी चिंता नहीं करूं तो मेरा नेता होने का क्या मतलब है। ऐसे हमारे प्रेरणा पुंज, हमारे प्रकाश पुंज माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी का असमय हम लोगों को छोड़ के जाना भारतीय जनता पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। हम उनके चरणों में कोटिश नमन करते हैं और अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नंद कुमार जी चौहान, जिन्हें पूरे प्रदेश में नंदू भैया के नाम से जाना जाता है, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी इस खबर को सुनकर आत्मा बहुत दुख हुआ, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा जनसेवक खो दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उनकी कमी महसूस होती रहेगी। उनके चरणों को मैं सत सत नमन करता हूँ और एक विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करता हूँ। नंदू भैया के रूप में पहचान बनाए मिलनसार व्यक्तित्व के धनी नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की खबर लगते ही मध्य प्रदेश सहित देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। बात ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, जब नंद कुमार सिंह चौहान ने 16वें लोकसभा चुनाव में खंडवा से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, और सभी चैनलों ने खंडवा में हुई नंद कुमार सिंह चौहान की जीत को प्रमुखता से दिखाया था।
राजनीतिक फ्लैशबैक पर नजर दौड़ाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव के लिए नंदकुमार सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया था और इन्होंने इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। फिर 12वीं से लेकर 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। 15वीं लोकसभा में हार के बाद 16वीं लोकसभा में फिर से नंदकुमार सिंह चौहान ने ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में आप बीडी शर्मा और राकेश सिंह के पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नंदकुमार सिंह चौहान का एक सफल राजनीतिक कैरियर रहा है और अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इन्होंने बुरहानपुर जिले के शाहपुर स्थित नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर की थी और फिर एक सफल राजनीतिक जीवन की सूची में नंदकुमार सिंह चौहान का नाम जुड़ता चला गया। कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद इन्होंने 11 जनवरी को खुद ट्वीट करके रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की थी। क्या पता था कि यह ट्वीट इनका आखिरी ट्वीट होगा। नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी में जैसे सन्नाटा छा गया हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में नंदकुमार सिंह चौहान के बारे में ट्वीट करते हुए इन्हें जनसेवा को समर्पित नेता के रूप में मानते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में नंदकुमार सिंह चौहान का नाम नंदू भैया के रूप में लिखते हुए इन्हें सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित नेता माना। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। नंदकुमार सिंह चौहान की 11 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद लगातार विभिन्न अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए इन्हें ले जाया गया और कुछ समय पहले ही एयरलिफ्ट से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन बेहतर से बेहतर इलाज के बावजूद भी कोरोना ने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ को पार्टी से दूर कर दिया।